पैदा कर दिया। उसके बाद भारत को बहुत बड़े पोटेंशियल हब के तौर पे देखा जा रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, और वहां पर ये कनेक्टिविटी उसमें जबरदस्त बूस्ट देने जा रही है। और उस लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कंसेप्ट को पहले रखा, उसके बाद इन देशों को शामिल किया है। और अंदाजा लगाइए कि रेलवे और शिप इन सबसे इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आप बनाएंगे उसके उसका सीधा मतलब है वो देश चाहते हैं, अमेरिका चाहता है, और ये बाकी जो देश है यूरोप के, फ्रांस की बात कर रहे हैं या यूरोपियन यूनियन के लोग, वो ये समझ रहे हैं कि भारत को वैसे ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है और उसकी ये सारी कवायद है। मैं ऐड करूंगा जी, बोलिए सर। देखिए